संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि संघ की स्थापना केवल असत्य बोलने के लिए हुई है। संघ जर्मनी की हिटलर पद्धति से चलता है। संघ ने कहा था कि ये सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ प्रमुख मंत्रियों की क्लास लेते हैं। हर विभाग में संघ ने अपने आदमी भेजकर एक विचारधारा बनाने का प्रयास किया है जिनसे संघ का वैचारिक मतभेद है। उनको झूठे मुकदमे लगवाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। मोहन भागवत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने आदिवासी दिवस पर कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे उसमें 130 वादे पूरे किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर और असत्य बोलने के आधार पर हुई है। जर्मनी में जो हिटलर जिस पर दूसरे पर चलता था उसी सिद्धांत पे इसकी स्थापना है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ और आरएसएस के बड़े नेताओं से हमारी चर्चा होती होगी तो कहते ही सांस्कृतिक संगठन है। कांग्रेस की क्या है, कम्युनिस्ट भी आ सकती है, सब भाग ले सकते हैं। इसका तो देश का निर्माण, लोगों का भविष्य, बच्चों का, नौजवानों का चरित्र निर्माण करना है। राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोहन भागवत जी धीरे धीरे जनता को गुमराह करके धार्मिक अंधता फैलाकर आपस में लड़ाने के काम करके सत्ता काबू कर ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लगातार मोहन भागवत जी क्लास लेते हैं, मंत्रियों की निर्देश देते हैं और सरकार की जो चाबी है वो उनके हाथों में है। पूरी तरह से इस देश में प्रजातंत्र को समाप्त करने की योजना राष्ट्रीय